मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह भदौरिया के ग्वालियर स्थित घर में चोरों ने हाथ साफ कर दिए। बताया जा रहा है कि देवेंद्र सिंह का परिवार शहर से बाहर था और घर में ताला लगा था। चोर इसी का फायदा उठाते हुए घर की खिड़की में लगी ग्रिल को उखाड़कर अंदर घुसे और अलमारी में रखे 2 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के जेवर उठा ले गए। जानकारी लगने पर देवेंद्र सिंह की पत्नी ग्वालियर आई। चोरी की वारदात की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि स्निफर डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस ने जांच की, लेकिन बारिश के कारण चोरों के पैरों के निशान नहीं मिले। जांच के लिए विशेष दल का गठन कर दिया गया है। बहुत जल्द चोरों को पकड़ लिया जाएगा। क्या घटना घटी? हम थे नहीं और ताला लगा, इधर से आए जीना की चोर, चोर आए उसको फोड़े और फोड़ के और फिर अंदर आए, किसने तो पूरी चोरी करी, जाने से करी, जो चीज दी थी सोना भी ले गए और चांदी भी ले गए, पैसे भी ले गए। और कितना सामान लिया? सामान पूरा, अब बहुत को होगा सामान तो है? कितनी कीमत हो? कीमत होगी पूरे सामान की 2 लाख तो होगी, 2-2.5 लाख। कैश लेगा 2 लाख और वैसे सामान लेगा, चांदी लेगा, सोना लेगा। एक सब इंस्पेक्टर है अतुल सिंह भदौरिया, भिंड में पोस्टेड है। उनका घर है आदित्य होटल के पीछे आदित्यपुरम में। वो क्या है, कल रात को उनके घर खाली था। उनके पिताजी और अतुल भदौरिया अपने घर भिंड चले गए थे, घर खाली था। सुबह सूचना मिली है कि पड़ोसियों ने बताया कि उनके घर में चोरी हो गई है, जिस पर जाके वहाँ डॉग स्क्वाड फिंगरप्रिंट सब मुआयना किया गया है और उसमें प्रथम दृष्टया FIR की गई है। 2 लाख रुपए की करीब चोरी हुई है, जिसकी CCTV के माध्यम से अपन साइबर सेल के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं पतारसी का। जैसे भी कोई इनपुट मिलता है तुरंत उसमें। अभी तक कहाँ तक जाए? अभी तक अपन पहुँचे हैं डॉग स्क्वाड फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट की जांच आती है, अगर कोई फिंगर मिलेगा तो चांस प्रिंट भेजे जाएंगे। साइबर सेल की मदद से भी अपन उसका वहाँ का PST डाटा ले रहे हैं और CCTV कैमरे भी अपन दिखवा रहे हैं, लगी हुई है टीम। इसके लिए टीम गठित है अलग से, टीम कार्रवाई कर रही है।